हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये पे पिको गाड़ी है जो कि BS3 गाड़ी है, और इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम थी कि ये बार बार अपनी टापट लूज कर रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी की आवाज चेंज हो जाती है और गाड़ी दब के चलने लग जाती है, मतलब गाड़ी खुल के नहीं चलती। तो अगर दोस्तों आपकी गाड़ी में ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपने क्या करना भाई, तो सारा प्रोसीजर बताएंगे इस वीडियो में, आप एंड तक बने रहना भाई। यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये हमने इस गाड़ी का रोकर सेट निकाला भाई कंप्लीट, और पकड़ना जी बार, और देखो इसकी सिचुएशन क्या है कि देखो ये स्क्रू कट चुके हैं, ये इसके अंदर क्यों स्क्रू कट जाते हैं मिस्त्री जी पहले तो ये बताओ। अगर लोकल कंपनी के स्क्रू होंगे तो कट जाएंगे, और जिससे क्या होगा गाड़ी की टापट बार बार लूज होंगे, जो नीचे से डलेंगे और जो स्क्रू भी होते हैं दिखाना चाहिए पर, और जो स्क्रू पहचान क्या है। तो दोस्तों जो ये स्क्रू डले थे ये इन रोकरों के ऊपर से डले गए थे, और ये लोकल स्क्रू है, इससे क्या होगा कि बार बार तो इनके कटने की प्रॉब्लम रहेगी, तो देखो, और बार बार टापट लूज की प्रॉब्लम रहेगी। जो ये देखो ये नीचे से डलने वाले हैं, ये मतलब रोकर खुल के ही स्क्रू डलते हैं, ये ओरिजिनल स्क्रू है। तो दोस्तों फर्स्ट इज फर्स्ट, जब भी आप अपनी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है कि नीचे से डलने वाले स्क्रू डालने पड़ेंगे, और जो चूड़ी टाइप चढ़ेंगे वे ओरिजिनल स्क्रू है, स्टील के स्क्रू होते हैं और ये ओरिजिनल ही होते हैं। मतलब अगर आपकी गाड़ी की टापट बार बार लूज होती है तो वे लोकल स्क्रू की वजह से होती है, और आपने लोकल कंपनी के स्क्रू नहीं यूज करने भाई, जो नीचे से डलेंगे और मोटे होंगे इनकी पहचान ये होती है, और ये ओरिजिनल स्क्रू होते हैं, ये ओरिजिनल कंपनी के ही आपने लेने हैं, और इस तरीके से आपने इनको डालना भाई। तो देखो भाई इस तरीके से आप इसके अंदर डालते रहे, इससे क्या होगा इस वीडियो में हम ये भी दिखाएंगे भाई गाड़ी की टापट कैसे मिलाई जाती है, और बार बार टापट लूज होती है, लूज होने का कारण ये है भाई कि हमारे जो स्क्रू होते हैं वो ओरिजिनल नहीं होते, और जिसकी वजह से गाड़ी की टापट बार बार लूज होती है। तो दोस्तों स्क्रू हमने नीचे से डाल लिए, इसके अंदर आपने जो टापट मिलाने का तरीका वो आगे होगा, और बंसरी ये कैसे सेट होती है और बताओ भाई। हाँ ये दोनों एक सार है, निकल गई, ये नीचे जाएंगी बर्फी गोली के ऊपर। अब और ये देखो भाई बर्फी गोली आपने दिख नहीं रही अच्छे से, लेकिन जब आप देखोगे इनके ऊपर रख देना भाई बर्फी हो गई, इनको हाँ ये डल गई इसके ऊपर, आगे वाली पे ये कोशी पे डाल दे, मिलाना तरीका है जो पीछे वाली है नहीं है, या पीछे वाली है, या पीछे वाली है, या पीछे बोले, या पीछे क्यों बोल रहे हैं सर, नू घुमा दिया, इस नू कैसे घुमाओगा, अगर नू घुमा दिया हाँ तो रेम राउंड घुमा रही है, हाँ अगर नू घुमा दिया तो अपना साइलेंसर में तो घुमा रही है, मतलब ऐसे सेट होगी ये, देख सेट करने का तरीका बता, नहीं सेट है बाहर निकाल एक बार, एक एक डाल, ये आगे वाली पहले आगे वाली डाल के दिखा, फिर पीछे वाली कौन सी डलेगी, ये आगे वाली है ठीक है, इसको आगे वाली को कर दो पीछे, एयर के अंडर साइड, और ये पीछे वाली होगी, आपने देखना पड़ेगा भी नीचे आगे वाली तो आपने इस तरफ करनी और पीछे वाली इस तरफ है, ये दोनों डलगी, हाँ हाँ इसने इस तरह कर दे, ये किस साइड है, एयर कैलेंडर साइड आगे वाली, और पीछे वाली है वो सिलेंसर की साइड, और दोस्तों फिर आपने क्या करना भाई, रोकर को इस तरीके से इस पे सेट करना, और इसको चोट लगा करके आप अच्छे तरीके से एक बार रोकर को अच्छे तरीके से बिठा दे भाई, रोकर पिन होती है, आपने ये सभी चीजें ओरिजिनल कंपनी की लेनी है, क्योंकि रोकर पिन भी टूट जाती है तब भी गाड़ी की आवाज पलट जाएगी। अगर आपकी गाड़ी टापट रोज ढीली कर देती है और स्क्रू कट जाते हैं भाई, तो इस सिचुएशन में आपने यही प्रोसीजर करना है, और इनको मिलाने का तरीका ही बताएंगे कि कैसे मिलाई जाती है। जो हमारी नीचे से बंसरी सेट थी वो ऐसे कैसे सेट करनी है भाई आपने, और जब इनको मिलाने का तरीका होगा वो और दिखाएंगे भाई, और इन रोकर के जो स्टड है इनके ऊपर आपने वर्सल जरूर लगानी है भाई, ये स्पेशल वर्सल आती है, हेड वर्सल बोलते हैं इनको, और इनको टाइट कर ले भाई पूरा अच्छे तरीके से टाइट करें,
थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है भाई, स्टेप बाय स्टेप करना है। और आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है भाई, वहां से भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे से बंसरी घूम रही है भाई, खोल रहे हो क्या आप इसको? खोलनी पड़ती है, टाइट है। क्योंकि अगर आप टाइट करते रहोगे तो नीचे से बंसरी में फॉल्ट आ सकता है, मुस जाती है और टूट भी सकती है। पहले आपने इन दोनों नटों को टाइट करना अच्छे से। देखो भाई टन टन बोल चुके नट और फ्री है भी। देखो भाई स्टड पूरे से अच्छे से टाइट हो चुके हैं। और अब गाड़ी को क्या करना, भी गाड़ी को आपने प्रेशर पे करना, पुली को आप प्रेशर पे कर ले। पुली पर देखो भाई, पुली घुमा दी गई है गाड़ी की और गाड़ी को हमने प्रेशर पर ले लिया। देखो यहाँ से मिस्त्री ने घुमा दिया, पुली घुमा दे भाई प्रेशर पे, गाड़ी खड़ी कर दे, कर दिया। अब इसको मिला के और दिखाओ एक बार, सॉलिड तरीका बताना भाई। ये सॉलिड तरीका बताया हमने और इनका जो लास्ट तरीका रह गया है, टप्पट मिलती कैसे हैं। बहुत से ड्राइवर भाई भी इस चीज में परेशान रहते हैं और मिस्त्री अच्छे से टप्पट नहीं मिलाते, जिसकी वजह से गाड़ी की आवाज पलट जाती है और गाड़ी लोड लेना बंद कर देती है और रेस भी आनी बंद हो जाती है भाई। काफी प्रॉब्लम होती है टप्पट लूज होंगी तो हमारी, मतलब मैन काम ही नहीं, कोई नहीं कहा है भाई। आपने इस तरीके से मिलानी है भाई, देखो डेबरी को पूरा टाइट कर देना है, ऊपर से पेचकस को टाइट कर देना, पेचकस वाले नट को, और बंसरी नीचे से घूमनी चाहिए भाई। योग की रिपोर्ट है ना, इसमें पले दे ना, इसमें पले हन्ना तो पले इसके अंदर ये बंसरी घूम दे। तो दोस्तों देखो ना, तो इसके ऊपर नीचे में थोड़ी सी भी पले, देखो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ और नीचे से जो हमारी बंसरी है देखो वो फ्री घूम रही है भाई। इसका मतलब ये वाले हमारी टापट अच्छे से मिल चुकी है, देखो भाई फ्री। और सेम तरीका आपने उसमें भी करना है, तो आपने भाई सेम तरीका इसमें भी करना भाई। इसी तरीके से आपने डेबरी टाइट करनी और नीचे से टाइट होगी, टाइट होगी, ये टाइट हो चुकी है तो ये घूमेगी नहीं। इस पोजीशन में आपने इस नट को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम रही है, मतलब दोनों सेम तरीके से घूमनी चाहिए भाई बंसरी। और टाइट होगी तो प्रेशर कटने लग जाएगा, टाइट होते गाड़ी का प्रेशर कटने लग जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने टापट मिलानी है भाई, टापट मिलाते ही आपने बंसरी को भी चेक करना, देखो नीचे से घूम रही है ना घूम रही है। तो अब इस गाड़ी की भाई टापट लूज नहीं होंगे और ना ही गाड़ी के शकरू कटेंगे। तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहे भाई, क्योंकि यहाँ पर हम जेन्युइन कंटेंट लेकर आते हैं, कोई भी फेक कंटेंट नहीं होता भाई।